अच्छा प्यार के सिद्के पे भी मैं बाद में आराम से एक दो बातें okay. करूँगी, बट टेल मी बहन भाई आप पांच हैं, आपका किस पे नंबर आता है? आई एम द फिफ्थ वन. तो मतलब रोब वोब जमाते हैं बड़े बहन भाई? नहीं रोब नहीं जमाते, मुझे लगता है मैं ज्यादा, आप लाडली ज्यादा है. मैं लाडली भी नहीं कहूँगी, लेकिन कोई किसी ने मुझे जिंदगी में कोई चीज़ करने से मना नहीं किया. अच्छा. मतलब वो फ्रीडम और वो ट्रस्ट मेरी अम्मी ने सबको दिया. सो दैट बर्डन ऑफ ट्रस्ट वी हैड ऑल आवर लाइफ एंड आई स्टिल हैव दैट ट्रस्ट, यू नो दैट बर्डन, यू नो सबसे ज्यादा वो बुरा होता है कि अब तुम्हें आज़ादी दे दी है तो बेटा ये बोझ बहुत बुरा होता है, वो सख्ती से ज्यादा बुरा होता है ये. एग्जैक्टली, क्योंकि आप कुछ कर भी रहे हैं तो यू लाइक नहीं अम्मी ट्रस्ट मी आई कैन नॉट डू दिस. एग्जैक्टली ये चीज़ है. तो मेरे जो भाइयों के साथ कभी मेरा इतना अच्छा यू नो रिलेशनशिप, ये नहीं कि बुरा हो, ये ना कि डर वाली चीज़ थी. तो मेरी बहन वो बॉयश टाइप थी, क्योंकि वो बचपन से मैं करूँगा ये आऊँगा वो आऊँगा, ड्राइविंग भी वो ना फास्ट ड्राइविंग करेगी और लड़ाइयाँ करेगी, तो शी वॉज ऑलवेज यू नो लाइक अ बॉय. सो उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी अपने बाकी मेरे भाइयों से. और मेरा जो तीसरे नंबर का भाई है उसका और मेरी बहन का आई थिंक 8 months का डिफरेंस था, पूरा 9th का भी नहीं था. तो वो क्लास में भी सेम थे, उनके फ्रेंड्स भी सेम थे, तो बड़ी दोस्ती होती, तो उनकी दोस्ती भी लड़ाई भी होती थी क्योंकि वो यही होते हैं ना. एक्चुअली द छोटी ऑफ द फैमिली. आई एम द छोटी ऑफ द फैमिली. तो स्टोरी वाली छोटी. तो ये था. भाई को होता नहीं है लेट कभी शूट से आते हैं घर में, कोई मसला नहीं था? अम्मी को कहते, बिकॉज आई रेड समवेयर यू सेड कि अम्मी को थोड़ा सा, अम्मी को होता है, अम्मी को हमेशा, अम्मी को अब भी होता है. वो 10 बजते नहीं है कि अम्मी भाई से कॉल करवा देती है कि क्या सीन है, ये क्या बात हुई. और मुझे खुद 10 बजे के बाद ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं सेट पे 1 मिनट भी, बहुत देर तक चलते हैं. तो वो शादी के सीन्स होते हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, वरना आई मेक श्योर नाउ मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो घर में, कि वो परेशान ना हो. तो इसलिए कभी कुछ होता है मैं पहले ही बता देती हूँ आज ना थोड़ा टाइम लगेगा. तो खैर भाई के साथ मेरा इतना बॉन्ड नहीं था, लेकिन मैं आई थिंक आई वॉज नियरली ग्रेजुएटिंग एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ. कुछ हुआ मेरी यूनिवर्सिटी में, इज लाइक इज इट लव अफेयर, लाइक नो इज दिस, इट वॉज समथिंग रियली रियली सीरियस. एंड एट दैट पॉइंट यू नो ही सेड आई ट्रस्ट यू. And then when he said that, I was like, you know, this is someone I was looking for all my life. So phir he was there, you know, my friends, they left me and he was there. So wo bond tab unke saath bahut zyada, jo dusre number wale bhai hain, teesre wale se abhi bhi thoda, naam kya hai unka? Asif. Asif se. So teesre wale se thoda isliye hota hai ki wo thoda jazbaati hai, wo zyada jaldi gussa kar deta hai, usse kuch bhi batao na. Maine ammi ko ja ke na aapko kaha tha ki ye nahi karna, maine aapko, तो वो थोड़ा ऐसा. तो आसिफ भाई के साथ बॉन्डिंग वो ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि मेरी बहन भी चली गई थी शादी करके, एंड देन यू नो ही टुक केयर ऑफ मी एंड टुक केयर ऑफ माई थिंग्स. सो द थिंग इज़ कि वो ट्रस्ट तब ज़्यादा डिवेलप हुआ और वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा उसके बाद हुई. सो उसके बाद यू ना आई एम लाइक कि माई फैमिली हैज़ डन सो मच फॉर मी, सो आई मेक यूजली द डिसीजंस कि यू नो इस साल अम्मी को मैं अमेरिका लेके जाऊँगी या इस साल मैं भाई को लेके जाऊँगी. सो इट्स लाइक आई एम द प्लानर ऑफ द हाउस. हाउ डू यू थिंक सरा फादर आपके बहुत छोटी एज पे, यू सेड कि 3 महीने की जब थी आपके फादर पास्ड अवे, सो उनकी जो कमी थी जिंदगी में उसने कैसे इम्पैक्ट किया आपको एज अ पर्सन? मैं कमी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी वो कॉम्प्लेक्स वो चीज़ नहीं डाली, या अम्मी ने कभी हमें वो नहीं किया कि हम अपने आप को विक्टिमाइज एक चीज़ का करके कि यू नो आई डोंट हैव अ फादर वाली चीज़ की, यू नो मेरे तो अबू नहीं है ये वाली, ये अम्मी ने कभी नहीं डाली. सो अम्मी ऑलवेज मेड अस वेरी स्ट्रांग as you know a person. तो मेरी अम्मी ने हमेशा ये सिखाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह अगर एक चीज़ लेता है तो दूसरी भी देता है, यू नो. सो एज यू नो दैट आई थिंक अम्मी ने कॉम्प्लेक्स कभी हमें नहीं आने दिया कि इस चीज़ की कमी है इस चीज़ की, वैसे जो भी है बस शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास है वो चीज़. बट अच्छा एक थोड़ा पर्सनल सवाल, आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर, वो होता है ना क्योंकि आपने बहुत छोटी एज पे उनको लॉस की थी, सो जब आप ग्रो कर रही थी आपने कभी वो चीज़ देखी नहीं, राइट? तो उसका आपको लगता है थोड़ा फायदा ही हो गया इन द सेंस कि एग्जैक्टली बड़े बहन भाइयों ने देखा वो ज़्यादा मिस करते होंगे अगर उनका हुआ. इवन आई थिंक दैट आई थिंक क्योंकि मुझे इन अ सेंस यू नो इंसान को तो जाना ही है किसी ना किसी वक्त, हमने तो अल्लाह के पास ही जाना है. तो वो उनका वक्त था, उन्होंने जाना था. तो ये था कि वो मुझे ये चीज़ समझ आई कि आई एम लाइक रियली यू नो आई कैन नॉट फेस
सिचुएशंस लाइक दीज. तो अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो मैं शायद वो चीज़ नहीं फेस कर पाती. जस्ट लाइक माई व्हेन माई ब्रदर पास्ट अवे इन 2012 एंड उस दिन एक्चुअली ईद का दिन था, बकरा ईद थी, जब यू नो एम्बेसी कॉल्ड अस एंड लाइक यू नो हिज नो मोर. माई सिस्टर वोक मी अप, यू नो काश भाई इज नो मोर, एंड वी सॉ आवर मदर एंड शी वाज रियली डिस्टर्ब. और मेरे ए लेवल्स के पेपर चल रहे थे, आई वाज गिविंग प्राइवेटली पेपर्स. ये आपके सबसे बड़े वाले भाई हैं जो यूएस वाले भाई? वो ही वाज इन अमेरिकन आर्मी, सो ही सर्व्ड फॉर 18 इयर्स. सो 2012 May he was in Afghanistan and you know some troop attacked. Actually it was a sudden attack, so protect bhi nahi kar paya apne aap ko kyunki wo camp mein aake un pe attack hua tha. So main A levels ke paper de rahi thi, to funeral ke liye kyunki khwahish mere bhai ki thi, wasiyat mein likha hua tha ki everyone had to be there. To ammi, bhai aur meri behan वो लोग अमेरिका गए, तो आसिफ भाई स्टेड बैक विद मी कि यू नो इसके पेपर्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. तो जब हम नेक्स्ट ईयर हमें सेरेमनी के लिए बुलाया था उन्होंने, जब वो अवार्ड्स देते हैं, सो व्हेन आई वेंट देयर आई जस्ट, मुझे समझ नहीं आया ना, वैसे अगर मैं अम्मी के साथ जाती तो शायद मैं वो चीज़ फेस नहीं कर पाती. लेकिन अम्मी की बहुत यू नो बड़ी बात है कि उन्होंने वो चीज़ फेस की. इट्स लाइक डिफिकल्ट, आई कैन नॉट डू इट. True. I think losing a child, माँ बाप के लिए बहुत बहुत मुश्किल. Losing anyone, it's like so painful. Like, अच्छा मुझे बताएं आप, let's come आपका जो, what's your first passion? Dance or acting? Acting. Acting. तो फिर ये उस साइड पे कहाँ कैसे निकल गया? How did that start? वो कैसे स्टार्ट हुआ था? तो डांसोग्राफी ऐसे स्टार्ट हुआ था, मैं राबिया कोको, हम सब कोको बोलते हैं, राबिया कुलसुम कोको ऑफ द फैमिली. तो मैं कोको से मिली फैजान की शादी. अच्छा, तो पहले से नहीं एक दूसरे को जानते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल. तो मुझे लगा पता नहीं कितनी पुरानी दोस्त हैं. अच्छा. तो फैजान और मैं बब्बन खाला की बेटियां कर रहे थे, तो फैजान ने बोला मेरी शादी है तो तुम आना और डांस भी करना, डांस प्रैक्टिस तारीख से. मैं नहीं जाती डांसेज यू नो, क्योंकि वो कम मैंने कर दिए थे जब से मेरी बहन शादी करके गई. मैं चलो चल लेते हैं, क्या है, वंस इन अ ब्लू मून वाली शादी है. तो मैं गई और प्रैक्टिस के लिए गई, तो मैं आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. तो मैं पहुंची हुई थी, कोई नहीं आया हुआ था क्योंकि हम कराची वाले हैं. तो थोड़ी देर बाद फैजान आया, फिर कोको आई एंड देन शी सेड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक. फैजान भाई ने आपको मेरा मैसेज नहीं दिया ना? मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपका ड्रामा वाला देखा था, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. फिर उसके बाद हमने डांस साथ किया फैजान की शादी पे. फिर उसके बाद हमारी यू नो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई. हमने फिर एक प्रोजेक्ट, हमने मीर आबरू ऑफर हुआ, उसमें हम दोनों बहनें थी. फिर हमें शहर मलाल हुआ ऑफर, उसमें हम सेम सेट पे थे. फिर हम एक झूठी लव स्टोरी में भी थे, तो इससे हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई. एक झूठी लव स्टोरी के बाद कोको का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे, यू नो यार पाकिस्तान में कुछ वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है अपना यू नो डांसिंग का, और हम करेंगे तो हमारा पहला होगा और देख लो. तो हम प्रिपेयर थे कि बैकलैश बहुत ज़्यादा आ सकता है. यू वर प्रिपेयर्ड? हाँ. तो मैंने बोला हम स्टार्ट ना इंटरनेशनल करते हैं. हमारी पॉलिसी थी कि हम इंडियन कंटेंट नहीं देंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है और हम प्लेटफॉर्म ही पाकिस्तान का लेके चलेंगे. फिर मैंने बोला यार मनी हाइस्ट बहुत चल रहा है आजकल ना इन, तो हम बेला चाओ से करते हैं. इवन हमारी पहली कोरियोग्राफी वॉज नॉट दैट गुड, बट हमने जज्बात में आके ना पहले दो गाने एक दिन में कोरियोग्राफ किए और शूट भी एक दिन में किए, छलावा और बेला चाओ. और कितने फर्क हैं दोनों? दोनों बहुत अलग है. तो पहले जो हमने प्रैक्टिस की, हम तो कभी हमारे नील यहाँ पड़ा हुआ यहाँ, क्योंकि हमने बहुत जज्बात में आगे धड़म धड़म धड़म. फिर हमें अपना बैलेंस थोड़ा आया, शुरू किया. आई एम टू स्टेप्स बिहाइंड कोको इन डांसिंग. वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है माशाल्लाह से, उसकी वो फिनिश बहुत ज़्यादा है. मेरी क्योंकि थोड़ी, क्योंकि मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मेरे पोस्टर्स कुछ ज़्यादा वो थोड़े स्टिफ भी टाइप भी हो जाते हैं. तो ये थोड़ा हमारे उसमें फ़र्क है, वो फिक्स कराती रहती है. फिर हमने जब वो दोनों गाने एक साथ शूट किए, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला, फिर उसके बाद हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम वो दो गाने एक दिन में जो है ना शूट कर सकें. आप बैकलैश की बात कर रही थी, थोड़ा जहन में था कि गलत अंदाज में लेबल कर देंगे लोग, बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है. यस. हमने इसलिए अपना वार्डरोब, इसलिए हमने अपने स्टेप्स उस हिसाब से रखे कि वल्गैरिटी ना आए, क्योंकि अगर हम कुछ भी तो करें, ये बात दिमाग में रखते हुए आप लोगों ने कुछ चीज़ें रखी. यस. और हम जब भी अपना कुछ स्टेप वो जो भी हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं, कुछ
स्टेप्स कोको के होते हैं, कुछ मेरे होते हैं, तो वो हम दोनों का मर्जर होता है. अगर वो ज़्यादा बैठने उठने वाले होंगे तो वो मतलब सराहने किए हैं, और अगर ताली वाले होंगे तो वो कोको ने वो डाले होंगे. अच्छा, तो ये होता कैसे, ये प्रोसेस कैसे होता है, किससे इंस्पिरेशन लेते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं? हम बस खड़े होते हैं और हम जो है गाना लगा के बस, हाँ, हम कभी हम चार पाँच ऐसे कर लेते हैं स्टेप, फिर हम दो दिन बाद हम सोचते हैं, हम दोनों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये वाला स्टेप बदलना चाहिए, तो हम वो वर्किंग दिमाग में भी चल रही होती है. जब हम खड़े होते हैं तो हम उसी वक्त डांस के लिए प्रैक्टिस के वक्त हम करते रहते हैं, और उस वक्त हम इसलिए कोई BTS रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपना, क्योंकि हम उस हालात में नहीं होते, हम ड्रेन हो चुके होते हैं और यू नो हमें समझ नहीं आ रहा इसका फ्यूचर क्या है. इसको आगे लेके चलेंगे आप लोग या बस ये शौक में ही है अभी? आगे लेके चलेंगे. अभी हमने महरीन की वेब सीरीज की, कैंडी मेरे दोस्त मेरे यार की हमने कोरियोग्राफी की. कुछ लोग कहते थे तुमने डायरेक्शन पढ़ ली और तुमने कुछ नहीं किया, मैं एक दिन ना गाना कोरियोग्राफी वो डायरेक्ट करूँगी, तो वो एक चांस मिल गया. मज़ा भी हमें बहुत आया और हमें इसलिए भी सुकून था कि हम लोग कैमरे के पीछे थे, तो हमें एक वो भी सुकून था कि हमने सिर्फ डील जो करना है वो एक्टर्स के लिए. अभी तो मैंने डे टू की वो नहीं लगाई, BTS नहीं लगाई, उसमें हमने बेसिकली हम वी हैड 40 एक्स्ट्रा एक्टर्स, दे वर नॉट डांसर्स एंड उन 40 को हमने एज 100 दिखाना था पूरी फ्रेम में पीछे भर के. So me and Rabia, we divided teams into A, B, क्योंकि हमें नाम तो याद नहीं होने थे, हमने A, B, C. अब पूरी वीडियो में Coco and I screaming, टीम ए आपने इधर से इस पॉइंट से उस वो भी छोटी छोटी लड़कियाँ ना, कोई सीरियसली भी पहले नहीं ले रहा होगा. नो नो, एवरी वन वॉज सीरियस एंड वी, क्योंकि हम ज़्यादा थे और हमने एक्टर उन्हें डांसर्स को बोला था, मैंने बोला आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर एक्टर्स आपसे टकराए तो हम तो आपको माफ कर देंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वी नॉट एक्टर्स एनीमोर, वी आर द कोरियोग्राफर्स. लेकिन उन बेचारे 40 लोगों ने जो दौड़ें लगाई हैं, क्योंकि वो आपको कभी नहीं लगेगा वो सिर्फ 40 लोग थे, क्योंकि हमें पूरा थ्रू आउट फ्रेम फुल रखना, सो दे वर रनिंग. वो 2 मिनट का जो गाना था वो भाग रहे थे, और जो हमारे DOP थे फराज, उन्होंने जो वो 30 kgs का उन्होंने 1 take किया है, वो बहुत मुश्किल था. तो इट वॉज़ अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हमें इसे आगे लेके जाना है. ऑब्वियसली हम बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी हमने सोची हुई हैं, हमने सोचा कि हम ट्यूटोरियल्स भी करेंगे, क्योंकि वो लोगों को भी देखने में मज़ा आता है. अच्छा, किसी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म से किसी से ऑफर हुई है कि कोई गाना कर दें आप लोग कोरियोग्राफ? यास्ट्रा टोल्ड अस के यू नो व्हेन शी इज़ कंटिन्यूइंग हर लाइक मूवी, तो जब वो कंप्लीट करेंगी तो शी सेड कि तुम लोग कर देना, लाइक वी आर हैप्पी टू डू इट. बट यू थिंक ये हो सकेगा पाकिस्तान में, ये जो इतना मतलब एक इंडस्ट्री की एक मेंटालिटी है उसको तोड़ना आसान होगा?